कहा क्या? क्या? अरे अब बात न तो से होई, सुन लिया ये मोर करे जा। ये अब बात तो से होई, सुन लिया ये मोर करे जा। देले बाड़े तू जवाना मोबाइल आके ले जा। देले बाड़े तू जवाना मोबाइल आके ले जा। वकील साहब, याद कर जहिया कुआरी रहलू, पियावा से पहले हमारी रहलू। एक समय देखिए, एक महल का निर्माण करवा रहे थे ब्रूस नाम। जब महल का निर्माण करवा रहे थे, वहां पे कारीगरों द्वारा खुदाई हो रही थी। कारीगरों के द्वारा खुदाई हो रही थी, उतना गहराई तक खुदाई हुई तो वहां पर एक महात्मा जी निकले। एक महात्मा जी पृथ्वी तल के नीचे बैठे मिले, और पृथ्वी तल के नीचे बैठे मिले तो महात्मा जी से सवाल किया जा रहा है कि आप कौन हैं और यहां कब से हैं। तो देखिए वो महात्मा जी बता क्या रहे हैं कि मैं कब से यहां बैठा हूं। दादाजी सुनिएगा, और क्या? अब देखिए महात्मा जी कह रहे हैं कैसे, अरे भक्तों के कारण अनल हो सितलाई। महात्मा जी बता रहे हैं कि मैं आखिर कब से यहां पर विराजमान हूं। भक्तों के कारण अनल हो सतलाई, यानी जो अग्नि थी इतनी शीतल थी मेरे समय में। मेरे समय भक्तों के कारण अनल हो सतलाई, कोमल चरण कोमल अवनी है पाई। ये धरती इतनी कोमल थी, मक्खन की तरह थी, और ये अंबर श्वेत रंग में रंगा रहा, नीला अंबर प्यारा। श्वेत रंग में रंगा रहा, नीला अंबर प्यारा। चांद चांदनी के संग में दिखता नजारा। ऐसा माहौल था जब से मैं यहाँ समाधि लगाए हुए बैठा। चांद चांदनी और क्योंकि मंद मंद महकल समीर रहलू। ये जो जल थी, जो जल था, ये जैसे खुशबू आती थी हवा से,
मंद मंद महकल समीर रहलू खीर के जैसन ये नीर रहलू। उस समय जो जल थे ये बिल्कुल दूध की तरह था, जो जल था ये दूध की तरह था। मंद मंद महकल समीर रहलू चीर के जैसन ये नीर रहलू। प्रधान जी बैठे हुए हैं, सराय डिगोसा से आए हैं, हर जगह पर दादा पुरुष सीट ही नहीं होती, किसी किसी ग्राम सभा में महिला सीट भी होती है। तो चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मऊ जोड़ावे। पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मौज उड़ावे, लौटी सांझ जब घर का आवे तो खूब रुआब दिखावे। प्रधानिन और पति देव माँ भिड़ गए ऐसन तिकड़ी, प्रधान पति से प्रधानिन बड़ी जोर से बिगड़ी कि फर्जिन रुआब दिखावत हो, पद हमार रुआब दिखाई हो तुम, तुम्हार बात एको ना मनबे ना तो खैबे गम, और घर मा बैठ के चूल्हा फूको बुलाके जइबे हम। तालियां बजा दीजिएगा। एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था। अभी राजेश रोशन ने कुछ प्यार मोहब्बत वाला खंड गीत गाया है। तो एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसकी शिकायत उसके बाप से एक बार कर दें। हम उसके बाप से मिलने गए, बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों के फोटो की परिक्रमा कर रहा था। ये दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराए, इसी बहाने दादाजी से मिल आए। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही गस खा गए, दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा कीर्तन जगत के सफल रचनाकार दादा राज कमल जी से बताया। उन्होंने समझाया कि त्रिवेदी जी कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। अगर कविता समझ में आई तो सभी लोग तालियां बजा दीजिए। स्वर ताल ना बने तो गीत का करे, स्वर ताल ना बने तो गीत का करे, जब आएगा बुढ़ापा तो सिला जीत का करे, जब सच्चा सौदा होई गवा डेरा के बीच मा, फिर फंस गए गुरु मीत तो हनी प्रीत का करें। तालियां बजाया करो भाई। अब बड़े आदर और सम्मान के साथ बहन विभा जिद्दी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला, यहां तक
कि वायु यान भी उड़ाने लगी हैं बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर शक्ति हर क्षेत्र आजमाने लगी हैं बेटियां, वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देती, अब शमशान तक जाने लगी हैं बेटियां। आइएगा बड़े आदर और सम्मान के साथ, और श्रीमान राजेश रोशन जी 52 मिनट लगे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि चार युग, यहां प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, 35 मिनट में समाप्त कीजिए, नहीं साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा। जितना कार्यक्रम किए रहोगे उतने का ही जवाब मिलेगा और उतना ही सवाल समर्थन है, तो तालियां बजा दीजिए। और सम्मानीय विभाजित दीजिए, बस आपके लिए कहना है कि थक गई धड़कनों पे रवानी लिखो, बरगदों पर फिर से कोई नई कहानी लिखो, काव्य के अंश हो तो हंस बनकर जियो, लिखना है आज की जवाबी में तो दूध का दूध और पानी का पानी लिखो। आइएगा, सादर आमंत्रित है आप, बोलना जरूरी है ताकि समझ में आ जाए कि वो कहां पर गलती कर रहा है। बाकी ये जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और आपने कहा कि तारा गया तेरी मांग का तारा, और तो तारा सामने तेरी आंखों का तारा। माता तारा ने कहा कि प्रभु मेरे स्वामी तो गए, लेकिन मेरा ये पुत्र अंगद जो आपके समक्ष खड़ा है मेरे स्वामी ने आपको सौंप कर दिया है, और आपके चरण कमलों में रहकर आपकी सेवा में लगा रहेगा। केवल समझना है बस। बस ये था, आप समझ नहीं पाए। बस बस बाकी जो भी आपने परोसा है बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बढ़िया है। और मैंने गीत आपको दिया था, अरे बात की ये बात जज्बाती है, मजे मजे मजे। तो आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। बड़े भैया, मैंने इशारा किया था कि पहली बात श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से की, दूसरी बात अपने गुरु विश्वामित्र जी से की, और तीसरी बात अपनी धर्म पत्नी जानकी जी से की। वाह, आकाश बताते क्यों नहीं तुम? आपने कहा कि माता सीता ने गौरी मैया से कहा, बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी की लाइन है जो आपने लिखी है। कुछ अपना लाते तो हम संतुष्ट हो जाते, लेकिन जब दूसरी लाइन आ जाए तो थोड़ा सा बस चोरी पकड़ कहना पड़ जाता है, कंप्यूटर लॉक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब से काम कथानक व्याकरण समझो तो सुर भी छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये बेटी मांगती तुझसे, ये युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। वाह बेटे वाह, वाह वाह, जियो बेटे जियो। बड़े भैया, बेटा इसी बात कहो, राम कहानी आ जाए, और बुढ़े को फिर से नई जवानी आ जाए, और किसी को रोना है रुलाना है तरीका हमसे सीखो,
आज बेटा इतना हंसाओ कि आंखों में पानी आ जाए। आइए, बहुत सुंदर सखन गीत आपकी ओर से आया है। हाँ। बहुत पूरी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या बेटे? अरे अब बात न होई हमसे, हम लोगों को उसका सहारा लेना पड़ता है। अब बात न होई हमसे, सुन ले ओ मोर करे जा, देहले बाड़ू तू जावन मोबाइल आके ले जाओ, याद करा जहिया कुहार रहलू, याद करा जहिया कुहार रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। अब बात न होई हमसे, सुन ले ओ मोर करे जा, देहले बाड़ू तू जावल मोबाइल आके ले जाओ, याद करा याद करा जहिया कुआर रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। बढ़िया बात आपके खंड गीत में आई है, तमाम चीजें आपने लगाया है अपने खंड गीत में, लेकिन बड़े भैया जवाब को सुनिएगा। देखिए जवाब कहाँ से निकल रहा। एक बार हनुमान जी लेटे हुए थे बूढ़े रूप में, हनुमान जी लेटे थे और भीम उधर से निकल पड़े, तो कहा क्या हनुमान जी से, हाँ, कि जो आपकी ये पूंछ है इसको आप किनारे कर लें। अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा खुद ही कर लो, आओ क्या, हम तो बुड्ढे हैं, आओ क्या, तुम खुद कर लो। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो भीम पूंछ को हिला भी नहीं पाए। अरे हिम्मत। और जब हिला भी नहीं पाए तो भीम ने कहा प्रभु आप कौन हैं? बताओ आखिर आप हैं कौन? है कौन और है कब से? अच्छा। तब हनुमान जी ने कहा क्या कहा सुनो है कब से बड़े भैया सुनो, गोपद सिंधु पवन महकाई सागर इतना विशाल
मिलता बेटे। कहा हनुमान जी ने क्या कि है कैसा कैसा राई मा पर्वत औ पर्वत मारा। राई को आप सबने देख रखा है इतनी बड़ी होती है राई, कहा इतनी बड़ी होती है राई मा पर्वत औ पर्वत मारा। चोट किसी की अपन परी रहलू, चोट किसी की अपीर अपन रहलू, चोट किसी की अपन पीर रहलू, अपर्वत का फाड़े वाला छीर रहलू। पर्वत का फाड़े वाला, पर्वत को फाड़ने वाला वो छीर यानी दूध मैं हूँ। वहीं जिसे कहा हनुमान जी ने राई मा पर्वत ओ पर्वत माराई हो, तो चोट किसी की अपन पीर रहलू, पर्वत का फाड़े वाला चीर रहलू। लाल की जय। बोलिए मेहंदी पुर बाबा।